जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 30 दिन हो गए हैं हमें प्रोटेस्ट करते हुए प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ, इनकी लूट के खिलाफ। लेकिन जब गवर्नर रूल आता था तो हमारे लोगों को बड़ी राहत मिलती थी कि आज गवर्नर रूल लगा है तो हमें राहत मिलेगी, हमारी जो सुनवाई है, हमारे जो प्रोटेस्ट की सुनवाई है वो होगी। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इस बार जो हमारे माननीय गवर्नर साहब राज्यपाल मलिक जी आए हैं, जब से ये आए हैं इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके नाकों तले एजुकेशन डिपार्टमेंट और प्राइवेट स्कूल, जिन्होंने मिलकर ये लूट मचाई हुई है। जब जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया हुआ है कि 2014 के बाद जितनी भी फीस इंक्रीज की गई है विद 9% इंटरेस्ट के साथ रिफंड की जाए। लेकिन फीस रिफंड करना तो बहुत दूर की बात है, ये तो इस बार जो इंक्रीज की गई 20-25% फीस, उसको भी नहीं रुकवा पाए। जबकि ये बड़े बड़े स्कूलों में जाने से डरते हैं, जब हमारे हम प्रोटेस्ट करते हैं ये नोटिस निकालते हैं। कल हमने मैसेज डाला कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, हम तभी ब्रिज बंद करने जा रहे हैं। मैंने सिर्फ ये मैसेज इसलिए डाला था तभी ब्रिज बंद करने के लिए, क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता था डायरेक्टर मैडम आज के पेपर में क्या देती है। और वही हमारी जो एक सोच थी वो सामने आई। आज डायरेक्टर मैडम ने एक महीने के बाद 20 स्कूलों के नाम दे दिए कि आप ये इन स्कूलों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर 30 दिन में वो 20 स्कूल करेगी तो 15 दिन बचे हैं, 15 दिन के बाद छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, तो बस खत्म हो गया ये किस्सा, ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वहीं पे हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी सरिता चौहान, जिसका बड़ा नाम सुना था हमने जब वो जेडीए में थी, तो बड़ा नाम सुना था हमने कि कितना बढ़िया काम करती है और लैंड ग्रैबरों को उसने कस के रखा हुआ है। लेकिन आज बड़े शर्मसार होके हमें ये कहना पड़ता है, जो हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी है सरिता चौहान, वो फेल हो चुकी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में आकर। वहीं पे JKFFC, जो हमारे इम्तियाज साहब जो हैं, इम्तियाज हकीम साहब जो हमारे जज रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो भी फेल हो चुके हैं JKFFC में आकर। उन्होंने जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं नूर हिसार साहब, हुसैन साहब, वो भी यहाँ पे आके फेल हो चुके हैं। ये सब मिल चुके हैं और इन्होंने प्राइवेट स्कूल वालों से अटैचियाँ ले ली हुई है। इसीलिए ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है 18/3/2019 का, इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इतना टाइम लग रहा है और पेरेंट्स को लूटा जा रहा है छड़ेआम। वहीं पे आप देखिए, कुछ स्कूल ऐसे हैं जैसे KV स्कूल हो गया, लाइट हाउस स्कूल हो गया, मदर इंडिया स्कूल आरएसपुरा हो गया, ये ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने 11-12 तक सिर्फ 800 से 900 से 600 से 500 रुपये फीस रखी हुई है। लेकिन वहीं पे जब इनके स्कूलों के नाम लिए जाए, KC इंटरनेशनल हेरिटेज स्कूल, JK पब्लिक स्कूल, DVN स्कूल, फिर DVN स्कूल, DPS स्कूल, ये जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, ये जो है इन्होंने छड़ेआम लूट मचाई हुई है। और बड़े शर्मसार होकर कहना पड़ता है कि डायरेक्टर एजुकेशन हिम्मत भी नहीं करती यहाँ पे जाने की। आखिर ऐसा क्या डर है इनको? और मैं आपको बता दूं, जैसे कि सेंट पीटर स्कूल है, सेंट पीटर स्कूल जो प्रिंसिपल है उनके फादर जोसेफ साहब, उन्होंने तो छड़ेआम गुंडागर्दी डाली है। वो पेरेंट्स को बोलते हैं जाओ जो करना है कर लो, मैं नहीं मानता किसी JKFFC को, मैं नहीं मानता किसी बच्चे को, किसी बच्चे के पेरेंट्स को। वहीं पे कुछ बच्चे वहाँ पे फेल कर दिए जाते हैं, जब बच्चे फेल कर दिए जाते हैं फर्स्ट से फोर्थ क्लास के बच्चों को, तो जब उनको क्लास में बिठाया जाता है टीचर्स बोलती हैं कि ये बच्चा फेलियर है, इसके साथ ना बैठा जाए। देखिए स्कूलों की गुंडागर्दी, जब वो बच्चा अगर कल को कुछ कर लेगा तो कौन जिम्मेवार होगा। वहीं पे हमारे जो हमारे DVN दीवान बद्रीनाथ स्कूल है, वहाँ पे जो बच्चे जिन्होंने एनुअल चार्जेस नहीं दिए या एडमिशन फीस नहीं दिए, उन्होंने क्या किया, बच्चों को बोल दिया ये डिफॉल्टर हैं। तो मैं अब बताना चाहता हूँ गवर्नर साहब से कि अपने जो आपके जो एडवाइज़र हैं उनको जगाइए, अगर उनके पास अटैचिए नहीं पहुंची तो उनको जगाइए, उनको बोलिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए स्कूलों पे, और डायरेक्टर एजुकेशन को ऑर्डर दिए जाए, कमिश्नर सेक्रेटरी को ऑर्डर दिए जाए कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए स्कूल पे और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट किया जाए।